रिवाइज तीन दई दो 2002। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। सर्व खजानों में संपन्न बनो। सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है या नहीं? सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा है। ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहला खजाना है कौन सा होगा? ज्ञान का खजाना। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे इस खजाने के आधार पर, ज्ञान की खजाने के आधार पर आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते ज्ञान के खजाने के आधार से, इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त, जीवन में रहते बुराइयों के बंधन से, बुराइयों के बंधनों से मुक्त है, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त, मुक्त हो, अच्छा है मुक्त, बाबा पूछ रहे हैं मुक्त। ज्ञान की खजाना मिलने के कारण हम सभी भले पुरानी दुनिया पराई दुनिया में रहते हुए भी, व्यर्थ चिंतन की वातावरण में रहते हुए भी इन सभी बातों से क्या है, दूर है ना। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो, है मुक्त। अब बाबा क्या कहते होंगे, है मुक्त हाजी या ना जी? सभी हाथ हिला रहे हैं, बाबा यहाँ तो हाथ नहीं हिला रहे, सभी हाथ हिला रहे हैं किस बात में, व्यर्थ चिंतन से मुक्त है। अच्छा, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है। क्या कहा बाबा ने, मुक्ति और जीवन मुक्ति ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ, समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना। और आप ज्ञानी तो आत्मा का काम क्या है, ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है,
संपन्न है या कम है? बाबा पूछ रहे हैं, ज्ञान के खजाने हैं, भरपूर है, संपन्न है या थोड़ा कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। खाली है तो फिर क्या आएगा? ऐसे ही योग का खजाना, बाबा ने ज्ञान की खजाना जिसको जिसके बारे में चेक कराया, हमारे अंदर कितने ज्ञान के खजानों से हम सभी भरपूर हैं। अभी है ऐसे ही योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सिर्फ शक्तियां नहीं, सर्व शक्तियां। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल है कौन सा? मास्टर सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान नहीं, सर्व शक्तिमान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है? क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, क्योंकि चेक करने से ही चेंज भी कर सकते हैं ना। अगर चेक ही नहीं करेंगे तो फिर चेंज करने की भी बात नहीं होती। इसलिए बाबा कह रहे हैं, अभी अपनी कमी को भर सकते, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक कर, एक एक शक्ति को सामने लाओ। सभी अष्ट शक्तियां हमारे अंदर समा रही है और उन शक्तियों को भी फिर क्या करना है? चेक करना है कि एक एक शक्ति कितनी परसेंटेज में है। एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारी दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो क्या नहीं कहेंगे? फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, लक्ष्य क्या है? फुल पास। पांडव सेना लक्ष्य क्या है? शिव शक्ति सेनाएं फुल पास या हाफ पास? अच्छा, तो सभी कहते हैं कि हम तो क्या बनेंगे? सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे है किसी का मन में? चंद्रवंशी बनने का बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी? बाबा फिर पूछ रहे हैं, चंद्रवंशी में भी विशेष तख्त देंगे बाबा, अच्छा लगेगा क्या किसी को? अच्छा, इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे नहीं बनेंगे? अच्छा, सूर्यवंशी बनना है, हाजी या ना जी? हाजी या ना जी? बनना ही है, बनना ही है। आवाज में कोई वो है ही नहीं, बनना ही है। तो ये तो बाप दादा चिट चट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सर्कमस्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएगी सर्कमस्टांस के अनुसार। नहीं, इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के
सभी बच्चों का पोता मिल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, समय के रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, क्या कहना होगा कब के बदले? अब कब हो जाएगा कर लेंगे, होना ही तो है, होना तो है ही, ये नहीं सोचो, होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है, होना तो है ऐसा भी नहीं, क्या करना है? अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का लक्ष्य रखा है ना, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, ये भी क्या है? हो जाएगा, बन ही जाएंगे, ये बोलना भी क्या है? अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है वो अभी से ही करना है। बनना है, फिर बाबा पूछ रहे बनना है, हाँ जी या ना जी? जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है वो अभी से करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे गुणों का धारणा जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्वशक्तियां हैं, गुणों में भी सर्वशक्तियां हैं, ऐसे ही सर्वगुण हैं। सिर्फ गुण नहीं है, सर्वगुण है। तो सर्वगुण है या सोचते एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? सूर्यवंशी में आने के लिए चलेगा एक दो गुण कम होने से? नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है, कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा, ज्ञान योग धारणा के बाद सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है, जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। सेवा करने के बाद क्या मिलती है? आत्मिक खुशी। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है? सेवा द्वारा अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो समथिंग इज राइट या रॉन्ग? अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है क्या होगा? सेवा का अर्थ है आत्मा अपने, आत्मा अपने को खुशन खिला हुआ रूहानी गुलाब। क्या चाहते हैं बाबा, क्या देखना चाहते हैं? खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेंगे। नहीं तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे, ये नहीं ये, ये नहीं ये,
और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, खुशी की प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। ये है सेवा की खजाना। क्या क्या बात कहा बाबा ने, स्वयं को भी खुशी, सेवा स्थान, सेवा साथी, और जिन आत्माओं की सेवा किया तो बस उन्हों की भी खुशी, वायुमंडल भी खुश हो जाए। और बात चार सब्जेक्ट तो आ ही गई, और है संबंध संपर्क, वो भी जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। क्यों? संबंध संपर्क वालों का भी नहीं खुशी होना बहुत जरूरी है ना। तो कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं तो क्या बात है, चलेगा ऐसे? हाँ, क्या हर्जा है, बीज से तो है ही कनेक्शन, पत्ते से क्यों होने चाहिए, चलेगा ऐसे? सूर्यवंशी में आने वालों की निशानी है क्या ही? नहीं? लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है, आपको विश्व का राज्य करना है ना, आज या ना जी, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। राज्य में आने के लिए क्या करना होगा? संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। संबंध संपर्क से क्या मिलती है? दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। बिना संबंध संपर्क दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। तो माँ बाप की दुआएं तो है, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। दुआएं नहीं मिलना माना संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा। जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते, डबल लाइट होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वो भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि ये संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं जैसे कहावत है, ऐसा इजी भी नहीं जैसे कहावत है। कौन सी कहावत होगी? हाँ, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती है, इसलिए ऐसा भी नहीं कि इतना ज्यादा भी मीठी बननी है, मीठा बनना है नहीं, जो चींटियां ही समा जाए अपने ऊपर, तो इतना इजी भी नहीं। लेकिन लेकिन डबल लाइट रहेगा तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने को चेक कर, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते जाओ। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए, चलते चलते देह अभिमान में आ जाता है, स्वमान और
देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है क्या होगा, स्वमान में कमी हो जाती है। देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सह साधन है, कौन सा? देह अभिमान आने से, आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वो जानते भी कौन सा शब्द होगा। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है, फिर बाबा पूछ रहे हैं। मैं, अच्छा अच्छा, तो कितना बार ये मैं कहते हो, मैं कहने वाले तो क्या है, बाबा तो बकरी कहते हैं ना, तो सारे दिन में कितने बारी मैं बोलते, कितने बारी बोलते होंगे, कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन, आत्मा या देह, मैं कौन? माताएं, मैं कौन? आत्मा या देह। आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की, क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना, आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना। अच्छा, तो आत्मा ने देह धारण की तो मैं कौन? मैं कौन? आत्मा ना। तो सह साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं कौन, तो ये याद करो कि मैं कौन सी आत्मा। आज बाबा फिर ये भी याद दिला रहे हैं, सिर्फ आत्मा ही नहीं समझना है, क्या भी समझना है, आत्मा को भी श्रेष्ठ समान देना है। इसलिए मैं कौन सी आत्मा, आत्मा मेरा कार है, विजन क्लियर, आत्मा कैसी है, निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की, तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय ये याद करो कि मैं निराकार आत्मा। मैं कौन? मैं निराकार। समान में स्थित होकर के सभी बोलेंगे एक साथ, मैं कौन? मैं निराकार आत्मा। मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे, निराकार से निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे, देह भान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, ये स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा, आत्मा याद आने से निराकार स्थिति पक्की हो जाएगी। जहां निराकार स्थिति होगी वहां निरहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो कल से नोट करना, बाबा क्या कह रहे हैं, कल से नोट करना, पर आज से ही हमें क्या करनी है, नोट करनी है। जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, आत्मा या देह, नोट करता है। और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। एक बार सभी रिपीट करेंगे, जितनी बारी मैं कौन, आत्मा, कौन सी आत्मा, निराकारी आत्मा, निरहंकारी आत्मा और साथ में निर्विकारी आत्मा। अच्छा,
आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत है, बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा सदा गेस कीजिए क्या होगा, आयुष्मान भव, और क्या होगा, मंजिल पर पहुंचने वाले, थोड़ा सा और क्या होगा, सदा विजयी भव, और सदा, सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, सदा आबाद रहना, रिपीट करेंगे फिर सभी, सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना, स्वयं भी आबाद रहना है और दूसरों को भी आबाद करना है। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, कौन सी, आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं, और बाप दादा क्या कहते होंगे, शरीर की आयु तो जितनी है उतनी ही रहेगी। देखिए बाबा कितना चतुर सुजान है, नहीं क्या कह रहे हैं बाप दादा, बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी ही रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं, लेकिन क्या देते हो, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, इतना गुप्त राज बाबा ने आज खोल दिया, नहीं शरीर की तो जितनी है उतनी ही रहेगी, पर ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। अच्छा क्यों, बाबा पूछ रहे हैं क्यों, सभी अननोन है ना, तो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है, आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो, क्या विशेषता होती है जानते हो, बाबा सर मना बाबा का स्पेशली किसको पूछ रहे हैं, यूथ को, जानते हो क्या विशेषता है आप में, जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हो आज या ना जी, कर सकते हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ, दुनिया की हिसाब से क्या कहते होंगे, यूथ क्या होगा, गेस कीजिए क्या होगा, यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, हाँ या ना, जो सोचेंगे वो करेंगे दिखाएंगे, वो लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यहां ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है। बाबा कितना प्यार कर रहे हैं यूथ को, क्या नहीं कह रहे हैं, जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहना, जिद्दी नहीं पर प्रतिज्ञा के ऊपर क्या रहना है, पक्के रहने वाले हैं। अच्छा हटने वाले नहीं हैं, ऐसे हो यू, हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश से हाथ उठाना ये भी हिम्मत है ना, लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं, इस हिम्मत को प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि जो चेक करो, हिम्मत जो रखी संकल्प किया वो प्रैक्टिकल में हो रहा है, नहीं? चेक करना है। तो गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है, बाप दादा कहते हैं ये ब्राह्मण योद्ध 1-1 लाख के समान है, इतने मजबूत हैं। देखो ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो कि बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई, क्योंकि बाप दादा तो जानते हैं ना फिर घर जाने के बाद हर बच्चों का नहीं कैसी दिनचर्या रहती है, इसलिए बाबा
पहले से ही बता रहे हैं, समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन, समाधान स्वरूप हूं या समस्या से हार खाने वाला कौन हूं। आप सबका टाइटल क्या है, विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न। विजयी रत्न है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया, तो अमर भव के वरदानी हो। अभी ये अपने से वायदा करो, ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो। सभी नोट करेंगे, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। कौन सी वायदा करनी है, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वो मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार ही नहीं है। ये तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार है क्या? नहीं है ना, तो आप कौन? ब्राह्मण हो ना। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो, दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है कौन? आज बाबा विशेष टाइटल दे रहे हैं, कुमार है कौन? कुमार है ऐसा, कुमार है सुकुमार। कुमार कौन है? सुकुमार। नशाई नहीं है सभी, कौन है? सुकुमार। कुमार नहीं, सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमार कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दें? बाबा पूछ रहे हैं, कुमारों को काम दें आज ही या ना जी? सभी कुमार कुमार बोलो। नहीं, क्या है, हिम्मत है ही नहीं हिम्मत किसी में, आवाज में कोई है ही नहीं पावर, तो दम ही नहीं आवाज। एक एक कुमार विश्व के कुमारों को परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दें? बाबा पूछ रहे हैं, कुमारों को काम दें, नहीं तो फिर माताओं को दे देंगे। अच्छा, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी, बाबा कुमारियों को भी याद करते हैं, कुमारियां करेंगी। अच्छा, तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसा ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार क्या करें? दस दस कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना, ठीक है कुमारों? ठीक है। अच्छा, तो ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं, तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, क्योंकि बाबा तो सौदे में पक्के हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुवन में तो आए, फिर घर जाएं तो बदल जाएं, ऐसे नहीं बदल जाएं नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कहें वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार हैं, करेंगे ऐसे करेंगे? अच्छा, थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा दो बाबा, या तो हाँ भी नहीं कर रहे ना भी नहीं कर रहे। हाँ कुमार, अच्छा करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फर्नर्स भी करेंगे। डबल फर्नर्स में कुमार हाथ उठाओ तो आप भी दस लाएंगे ना,
फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे, फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसको इनाम देंगे, बाबा इनाम भी दे देंगे। कब देंगे? फिर जब फर्स्ट क्लास क्वालिटी वाले लाएंगे तो इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से? अगर गवर्नमेंट को ज्यादा में ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये कुमार। लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं? ये संकल्प भी नहीं उठ सकता, हुई बड़ी है। सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने दो कुमार स्टेज पर आ गए जिन्हें हटाया गया। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा, अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी एक सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो, फुल स्टॉप। एक मिनट हम सभी फुल स्टॉप लगाए। बाप दादा ने बहुत पावरफुल रील कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय 20-20 में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसे ही ये भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही एक सेकेंड में साक्षी दृष्टा बन, एक सेकंड में साक्षी दृष्टा बन, समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार कर। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप। और अपने फूल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ, समस्या नीचे रह जाएगी। आप ऊंचे स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर, मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाले आत्माओं को सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाली ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिला राम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते हंसते। बता,
परिस्थितियों को शिक्षक समझ, परिस्थितियों को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझ। परिस्थिति तो आई पर घबराने के बजाय बाबा क्या कह रहे हैं, थोड़ा क्या करना है, थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। कौन सी दो शक्तियों? एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। याद हो गया सबको, एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगी। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी है, कौन है? ट्रस्टी है, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों? मेरा कुछ है ही नहीं, मैं ट्रस्टी। तो फिर बाबा पूछ रहे हैं, फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों? नहीं, ट्रस्टी माना सब कुछ क्या करना, ट्रस्टी माना सब कुछ बा हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चित समर्थ स्वरूप में रहो। जो हुआ जो होगा वो अच्छा ही होगा, इसलिए स्मृति से क्या रहना है, हमेशा सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। स्लोगन, जिनका मिजाज मीठा है, जिनका मिजाज मीठा है, वो भूल से भी क्या नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। ओम शांति।